हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक विच इज़ डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस। डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशनशिप हम देखेंगे गैस के कंसेप्ट में। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन ही होती है PV इज इक्वल टू NRT। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा V को इस तरफ ले आएंगे और RT को इस तरफ ले आएंगे, तो ये जगह N/V P/RT। तो N क्या होता है? मोल, रिप्लेसिंग N बाय मोल बराबर क्या होता है? M/M, मास बाय मोलर मास। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, N की जगह हम M/M रख देंगे। तो M/M रखेंगे तो M/V क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम बराबर डेंसिटी होता है। तो इस पूरे हिस्से की जगह हम क्या रख देंगे? डेंसिटी रख देंगे। तो ये जगह डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये D/M इज इक्वल टू PRT। ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही है, डी फॉर डेंसिटी। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन वी गेट द रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम यहाँ से गैस का मोलर मास पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ये जॉन डॉल्टन ने 1801 में दिया था। इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। जो प्रेशर होता है, एक मिक्सचर है मतलब उसमें बहुत सारी गैसें हैं जो कि नॉन रिएक्टिव, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करती है, उनका जितना भी प्रेशर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। जो इंडिविजुअल गैसेस होती है उन सब के सम, उन सब के प्रेशर को हम सम कर दें तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो देखो ये है, यहाँ पर मैथमेटिकल हम इसको लिख सकते हैं, ये है P टोटल मतलब जितना भी उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो ये P1 कोई गैस है, P2 दूसरी गैस है, P3 कोई तीसरी गैस है, इस तरह से। ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो पी टोटल जो होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और ये P1, P2, P3 क्या है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस है। तो एक और यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, जनरली गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। इनको कलेक्ट करते हैं वाटर पर, इसलिए मॉइस्ट होती है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। उसका ड्राई गैस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो होता है इतना, प्रेशर एग्जर्टेड बाय सेचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है? एक चीज़ और देख लो, प्रेशर जो कि सेचुरेटेड वाटर वेपर लगाता है उसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। ये अलग अलग होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। देखो पी ड्राई इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। तो ये है मेन वाला, तो हमारा ये वाला फार्मूला इसको हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखो, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के रिलेशनशिप में हम पार्शियल प्रेशर देंगे। सपोज एट द टेम्परेचर टी है, तीन गैसेस है एनक्लोज इन द वॉल्यूम वी, जो कि किसी मतलब वेसल्स में बंद है जिसका वॉल्यूम वी है। एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर उन तीनों गैसों का प्रेशर है P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। देन P1 इज इक्वल टू, हम जो P1 गैस है उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड बाय V। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि तीनों एक ही वेसल्स में बंद की हुई हैं, इसलिए या एक ही सिलेंडर में बंद की हुई हैं। ये P1 प्रेशर के लिए है, और अब है P2, ये गैस नंबर 2 के लिए है। ये देखो आप, P2 इज इक्वल टू N2 RT, है ना, ये गैस दूसरी वाली है उसके लिए पार्शियल प्रेशर है। ये P3 N3 RT डिवाइडेड बाई वेयर N1 N2 एंड N3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, इनके कितने मोल्स हमने लिए हैं। दस एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर विल बी, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा, ठीक है। ये P टोटल होता है ना, तीनों गैसों का मिक्सचर है, तो उसमें P1 का प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर प्लस P3 का प्रेशर, तीनों गैस का प्रेशर हम प्लस कर देंगे तो P टोटल आएगा। कितना होगा वो? N1 RT/V plus N2, और ये हो जाएगा RT V plus N3 RT V। यहाँ पे लिखा नहीं, इसको लिख लेना। तो यहाँ से हम RT V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये RT/V, यहाँ से कॉमन ले लो, RT/V इज इक्वल टू क्या होगा? ये RT यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये इधर बच जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। इधर P टोटल है,
ये पी टोटल ऑन डिवाइडिंग पी वन बाय पी टोटल, पी वन को पी टोटल से डिवाइड कर दो, ये जो पी वन है पी वन को पी टोटल से डिवाइड कर दो, पी वन वाली इक्वेशन देखो पी वन इसको जो पी टोटल से डिवाइड करेंगे तो ये पी वन क्या था एन वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आर टी वी डिवाइडेड बाय आर टी वी, आर टी वी से आर टी वी कैंसिल तो इधर बच जाएगा एन वन डिवाइडेड एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल, देखो यहाँ से आर टी वी कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा एन वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, एन वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ये ऊपर एन वन है और इस ये नीचे वाला जो हिस्सा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इस पूरे हिस्से को हम सिंपली एन लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स वन, या इसको काई वन भी बोल सकते हो एक्स वन, ये जो एक्स वन है ये इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस, ये मोल फ्रैक्शन होता है फर्स्ट गैस का, जो भी हमने पी वन देखी थी ना उसका मोल फ्रैक्शन इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये पी वन इज इक्वल टू एक्स वन पी टोटल, सिमिलरली फॉर अदर टू गैसेस, दूसरी गैसेस के लिए भी हम लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू एक्स टू पी टोटल एंड पी थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री पी टोटल, तो ये पार्शियल प्रेशर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उनके मोल फ्रैक्शन से। दस ए जनरल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एक्स वन और पी टोटल, पी वन एंड एक्स वन एंड क्या पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, जो एक्स वन लिखा है ना या इसको काई भी बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इफ़ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज गैस इज नॉन तो हम पता कर सकते हैं, अगर आपको टोटल प्रेशर पता है तो। नेक्स्ट आप देखो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं, मोलिकुलर थ्योरी गैस थ्योरी इसके बारे में अब इसके सिंपल कुछ पॉइंट देखते हैं तो इसके एजम्पशन और पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के वो हम देखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ द गैस कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, गैस में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे जो कि सेम होंगे, देट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, जो गैसेस होंगी किसी सिलेंडर में बंद है तो उनके बीच सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मतलब बिल्कुल नहीं होगा, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, उनका वॉल्यूम जीरो होता है, ऐसा इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है। किससे तुलना करें, अगर हम कंपेयर करें उस सिलेंडर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो इनको हम सिर्फ एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह। दिस एजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस, ये जो फर्स्ट एजम्पशन है ये क्या बताता है कि गैस जो होती है वो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो सकती है, तो पहला पॉइंट ये है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के तुलना में जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सारी, देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, जो गैस होती है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मतलब गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता है, करता है। ये एजम्पशन सपोर्ट करता है गैसेज एक्सपांड एंड एक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, गैस फैलती है और जितनी जगह उनकी उनको मिलती है उतनी पूरी जगह में फैल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रेंडम मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हमेशा कॉन्स्टेंट और रेंडम मोशन में होते हैं, मतलब वो एक फिक्स्ड और इधर उधर घूमते रहते हैं। इफ द पार्टिकल एट रेस्ट, अगर वो रुक जाएंगे एन ऑक्यूपाइड फिक्स पोजिशन, तो अगर वो रुक जाएंगे तो क्या होगा, देन गैस वुड हैव ए फिक्स्ड शेप, गैस का भी फिक्स्ड शेप होगा, जो कि ऐसा नहीं देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, जो वो सभी डायरेक्शन में घूम सकते हैं एक सीधी लाइन में। ड्यूरिंग देयर रेंडम मोशन, जब वो मोशन में होते हैं दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से टकराते भी हैं, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो जब एक दूसरे इधर उधर घूमते हैं मोशन में होते हैं तो आपस में भी टकराएंगे और जो कंटेनर है जिसमें उसको पैक कर रखा है उसकी दीवारों से भी टकराएंगे।
प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिशन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर कैसे बनता है, जब पार्टिकल उसकी वॉल से टकराते हैं उसी को हम प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, कोलिजन ऑफ ए गैस मोलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। जो कोलिजन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब गैस मोलिक्यूल के बीच में जो टक्कर होती है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी जो होती है मोलिक्यूल की टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वो सेम होती है। जैसे दोनों दो मोलिक्यूल है, दो पार्टिकल है, वो आपस में टकराए और उनकी टोटल एनर्जी 100 जूल है, तो टकराने के बाद भी वो 100 जूल ही रहेगी, मतलब एनर्जी में चेंज नहीं होगा। जितनी एनर्जी पहले दोनों पार्टिकल्स की थी उतनी दोनों की बाद में भी रहेगी, कोलिजन के बाद में भी रहेगी। उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, जैसे किसी की एनर्जी पहले 60 थी तो 60 से वो 30 हो सकती है, और दूसरे एक की बढ़ेगी तो एक की घटेगी, ऐसा होगा। बाकी वो उन दोनों का टोटल हमेशा सेम रहेगा, ठीक। बट सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट इफ देयर वर लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे तो जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक पार्टिकल तो नहीं होगा, तो उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हैव डिफरेंट स्पीड, उन सबकी स्पीड्स भी अलग अलग होगी। मतलब एक पार्टिकल है उसकी कुछ स्पीड होगी, दूसरे पार्टिकल सबकी अलग अलग स्पीड होगी, और उनकी जब स्पीड अलग होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। ये जो एजम्पशन है रीजनेबल है, बिकॉज इज द पार्टिकल कोलाइड, जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं वी एक्सपेक्ट देयर स्पीड टू चेंज, तो उनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है, टकराने पर स्पीड भी चेंज होगी। इफ़ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल वाज सेम, अगर उन सबकी इनिशियल स्पीड सेम है, द मोलिकुलर कोलिजन विल डिस्टर्ब दिस यूनिफॉर्मिटी, तो कंसिक्वेंटली द पार्टिकल मस्ट हैव डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड अलग होगी, विच गो ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, जो लगातार बदलती रहती है। इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, उनकी इंडिविजुअल स्पीड चेंज होती रहती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन उनका जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टेंट होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफ ए मोलिक्यूल इज वेरिएबल स्पीड, कोई मोलिक्यूल है उसकी स्पीड अगर वेरिएबल है, बदलती रहती है, देन इट मस्ट हैव ए वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। अंडर दिस सर्कमटेंसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम सिर्फ उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर पाएंगे। इन काइनेटिक थ्योरी इट इज एज्यूम दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मोलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन काइनेटिक थ्योरी में हम ऐसा देख सकते हैं, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मोलिक्यूल की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना टेम्परेचर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, गैस को गर्म करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एंड दिस स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली देन एग्जर्टिंग मोर प्रेशर, उनको गर्म करने पर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा क्योंकि उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस अलाउ अस टू डिराइव थ्योरेटिकली ली गई है, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। All the gas law studied in the previous section, calculation and prediction based on kinetic theory of gases agree very well with the experiment. इससे पहले के जितने भी लॉ हमने देखे हैं, है ना, चार लॉ देखे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन देखी है, वो इस थ्योरी को बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं, एंड दस एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ दिस मॉडल, और इस मॉडल को बिल्कुल करेक्ट बनाते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, इसको देखो, ये है आपका प्रॉब्लम 5.4, ए नियोन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर, दो गैस है, एक नियोन गैस है और एक डाई ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। इस मिक्सचर में 17.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, इस मिक्सचर के अंदर इतनी तो ऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम नियोन है, इतनी इसमें नियोन है। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, जो गैस जिस सिलेंडर में गैस भरी उसका टोटल प्रेशर 25 है, तो व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियोन इन द मिक्सचर, आपको डाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पता लगाना है और नियोन का पता लगाना, अलग अलग इन दोनों का प्रेशर कितना होगा टोटल, तो आपको दे रखा है उसने क्वेश्चन में। तो देखो पार्शियल प्रेशर लगाने का फार्मूला क्या है, ये वाला पी इज इक्वल टू ये मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, ये मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए,
तो इस पहले मोल फ्रैक्शन को निकाल लो, पी टोटल आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, इस एक्स वन की वैल्यू चाहिए आपको, दोनों गैसों के लिए अलग अलग होगी। तो देखो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, ये दे रखा है मोल फ्रैक्शन, ये फार्मूला एक्स, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, ये एक्स वन इज इक्वल टू, जिसका भी मोल फ्रैक्शन करना है वो एन वन प्लस एन टू, ये दो गैस है तो दो गैस के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो मोल ऑफ पहली वाली गैस का मोल चाहिए और दोनों का टोटल मोल का नीचे की तरफ रखेंगे, तो इनका मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, एम बाय एम, मास बाय मोलर मास, तो मास इतना क्वेश्चन में दे रखा है, ये किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम होता है, तो 70.6 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का मोल पता चल जाएगा 2.21, तो ये किसका है, ऑक्सीजन का है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन, नियोन के पता करेंगे, मास कितना क्वेश्चन में दे रखा है और नियोन का मोलर मास नीचे की तरफ रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 8.375 मोल आ जाएगा। अब मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ये डाई ऑक्सीजन के लिए, डाई ऑक्सीजन का मोल कितना है इतना, और दोनों का मोल जो भी उसको टोटल करके नीचे रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 0.21 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन भी निकाल लेंगे, मोल ऑफ नियोन कितना है अभी हमने निकाला वो 8.375, और इन दोनों का टोटल करके नीचे रखेंगे तो 0.79 आ जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट भी पता कर सकते हो आप, जब एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता चल जाए तो वन में से जो निकाला है उसको माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली गैस का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक से ज़्यादा नहीं होता है, दोनों का टोटल करेंगे तो, जैसे 100% जो होता है 100 के बीच में होता है, 0 और 100 के बीच में, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.21 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है ये 25 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है 0.79 मल्टीप्लाइड बाय 25 और इज इक्वल टू 19.75 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का, हमारे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ग्राम्स लॉ, पार्शियल प्रेशर डेंसिटी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये पूरी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, सारे पॉइंट आपको क्लियर कट होने चाहिए, उसके बाद हम लास्ट हमारा टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, अपना कीमती समय इसको हमें दिया, उसके लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।